अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर है और मेरा सवाल यह है कि रोज़ा किन किन सूरतों में टूट जाता है। जी हुज़ूर, सिकंदर भाई का ये सवाल है कि रोज़ा किन किन वजूहात के बिना पर टूट जाता है, इसके बारे में कुछ रहनुमाई फरमाएं। रोज़ा नाम है खाने पीने और जिमा से रुके रहना, सुबह सादिक से लेकर गुरुबे आफ्ताब तक। लिहाजा जहाँ खाना पीना या जिमा जो है वो जानबूझकर पाया गया, यानी रोज़ा याद होते हुए ये चीज़ें पाई गई, तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाता है। भूल कर खाने से भी क्या रोज़ा टूट जाता है? और अगर बिलफर्ज किसी ने किसी शख्स को देखा कि वो खा पी रहा है जबकि उसको पता है कि ये रोज़े से भी है, तो अब देखने वाले के लिए क्या हुक्म है, क्या उसको बताना ज़रूरी है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने रोज़े में भूल कर खाया या पिया तो वो अपने रोज़े को पूरा करे, क्योंकि उसे अल्लाह ने खिलाया है और अल्लाह ने पिलाया है। तो रोज़े के अंदर भूल कर चाहे पेट भर कर कोई खाना खा चुका है या उसने अपनी पूरी प्यास बुझा ली है, काफ़ी जो है वो पानी भी भले पी गया है, तो रोज़े में भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता। भूलने से मुराद ये कि उसको रोज़ा ही याद ना हो कि मैं रोज़े से हूँ या नहीं, उसको रोज़ा याद नहीं है तो उसने भूल कर जो है वो खा लिया है। अब किसी को देखा और उसके बारे में पता है कि ये रोज़े से है और वो भूल कर खा रहा है, तो उसको याद दिलाना जो है वो वाजिब है कि ये उसको याद दिलाए। अब इसमें जो है वो उलमा इकराम ने इरशाद फरमाया है, मशाइख ने इस बारे में, कि रोज़ेदार की कैफियत को देख लिया जाए। अगर वो भूल कर खा रहा है तो देखा जाए कि वो कमज़ोर है, ताकतवर है, क्या है, ज़ाहरी कैफियत, ज़ाहरी कैफियत को देख लिया जाए। अगर तो वो ऐसा कमज़ोर है कि पता है कि ये अगर नहीं खाएगा तो इसके लिए रोज़ा पूरा करना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उसको याद ना दिलाना बेहतर है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये ना उसको याद दिलाए, वो भूल कर खा रहा है, किसी के लिए भी कोई हुक्म नहीं, उसका रोज़ा भी जो है वो पूरा हो जाएगा। और बाद मशायख ने यह फरमाया इस बारे में कि अगर किसी बूढ़े को देखे तो उसको ना याद दिलाए, लेकिन किसी जवान को देखे तो उसको याद दिला दे। लेकिन इस बारे में यही फरमाया गया कि असल इस चीज का एतबार नहीं, अक्सर के एतबार से ये फरमा दिया मशायख ने कि बूढ़े आदमी को देखे तो उसको जो है वो ना याद दिलाए, जवान को याद दिला दे। असल एतबार कुव्वत का है और ज़ौफ का है, जिसमें कमजोरी देखी जाए। अब कोई बूढ़ा आदमी ऐसा है जिसने अपने बचपन में बड़ी अच्छी आला खुराकें खाई हुई, इस वक्त वो जवानों से भी कई दर्जे जो है वो कम कुव्वत के एतबार से ज्यादा है, तो उसको सेहतमंद है, उसको याद दिलाया जाएगा। अब कोई जवान है, उम्र तो उसकी जवानी वाली है, लेकिन है बहुत कमजोर है, ऐसा है, तो ऐसी सूरत में उसको छोड़ दिया जाए, कोई हर्ज नहीं। जज़ाकअल्लाह। आपने भूल कर रोजे में खाने का हुक्म भी समाप्त किया और इसी के साथ ही अगर किसी को रोजे की हालत में खाता पीता देखें तो उस वक्त क्या करें, मुख्तलिफ सूरतों का बयान आपने सुना,